Thank mm -hmm. you. एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आज है थर्टी फर्स्ट दिसंबर और हम लोग घर आ गए हैं मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को घर जाना है अपने क्रिसमस ब्लॉग में और अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं थे कभी ऐसा होता है कि मैं घर होती हूँ तो वो नहीं आ पाती या वो आती हैं तो मैं इधर गाजियाबाद में होती हूँ तो इस बार उन्होंने कहा कि भाभी आप लोग इधर आ जाइए काफ़ी टाइम से हम लोग मिले भी नहीं हैं तो इसीलिए हम लोग वहाँ इस बार अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और कुछ अलग भी होना चाहिए ना न्यू ईयर पे मतलब और मेरा ये न्यू ईयर ब्लॉग थोड़ा सा मतलब लेट हो गया है तो उसके लिए सो सॉरी क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि घर आ चुकी हूँ मैं और इतना ज़्यादा सफ़ाई करनी पड़ जाती है ना घर आकर घर इतना गंदा मिलता है तो अभी तो बस ये देखिए रास्ता है गांव का सारा खेत वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको और अभी ये हम घर पहुंच गए हैं अपने सिस्टर लॉ के ये बच्चे हैं मैं बताऊंगी आपको किस का बच्चा कौन सा है ये हैं मेरे भांजे प्रखर और ये हैं मेरी क्यूट सी छोटी सी भांजी त्रिशा और ये जो गर्ल हैं ग्रीन स्वेटर में ये मेरी ननद की जिठानी की बेटी हैं

छोड़ दे खेल ले उसको ए यार टीशी टीशी आजा इधर आ जरा आजा मां बस आओ बुला बुला लो बुला मैं तो कुछ भी खा लूंगी अरे रे देखो ओ पापा ओ पापा तो अभी तो देखिए बस बच्चों की मस्ती चल रही है और वही क्लिप्स मैंने थोड़ी सी निकाल ली और यहाँ पर ये यह देखिए कितना शर्मा रहे हैं बहुत शर्माते हैं मुझसे पहले तो, तो बहुत नीचे तो थे हम ऊपर कैसे हुए जब इतने सारे बच्चे साथ में मिल जाते हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है और ये मेरी बेटी देखिए इसका फेवरेट सॉन्ग शोना शोना जो टोनी कक्कर का सॉन्ग है उस पर डांस कर रही है गाना मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि नहीं तो कॉपी राइट आ जाएगा और ये इनके साथ खेलने को करती है लेकिन ये अकेले अकेले खेलना पसंद करती है ये थोड़ी सी शर्मीली हैं मतलब अकेले ही पसंद करती हैं और मेरी बेटी और जो मेरे भांजे हैं वो दोनों मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत शैतान हैं ये देखिए इनका डांस चल रहा है मैडम का और अभी हमारी चल रही है खाने की तैयारी क्योंकि अब हो चुका है न्यू ईयर आज है एक तारीख तो हम बना रहे हैं खाने में कचौड़ियाँ और ये बाहा ही है, ये हैं मेरी ननद की सासू माँ और ये देखिए टाइसन है जो मेरी सिस्टर का डॉगी है उसके साथ ही बहुत खेली मेरी बेटी बहुत बहुत ज़्यादा खेली उसके साथ बहुत पसंद है इसको डॉगी

हम लोगों ने सच में बहुत ज़्यादा मस्ती की और फिर ज़्यादा क्लिप्स नहीं निकाल पाई मैं मतलब इस तरीके से आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे कैमरा सामने रख कर के क्योंकि फिर इसे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है ना और ये देखिए हम लोग छत पर आ गए हैं छत पर धूप तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी तो अच्छा लग रहा था तो अभी मैं कर रही हूँ अपना सामान पैक कर रही हूँ जाने की तैयारी इन लोग के यहाँ क्योंकि कल यानी कि दो तारीख़ को जाना है हमें वापस गाज़ियाबाद इसलिए अपना सारा सामान मैं पैक कर रही हूँ और न्यू ईयर पर इस तरीके से यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली क्योंकि वैसे तो हम अलग अलग ही रहते हैं वो अलग रहती हैं मेरी तो मैं अलग रहती हूँ और मम्मी पापा भी अलग रहते हैं लेकिन कभी ऐसे तीज त्यौहार हो या किसी की शादी हो घर में कोई फंक्शन हो और इस तरीके से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाता है बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे क्योंकि चार बच्चे थे और जब एक बच्चा ही इतने ज़्यादा शैतान हो तो चार बच्चे मिल कर के कितनी ज़्यादा शैतानी करेंगे आप सोच सकते हो और मेरी बेटी और मेरे जो भांजे हैं वो तो मिल कर के बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करती है। हैं क्योंकि तो दोनों एक जैसे हैं मेरे भांजी थोड़ी सी सीधी सादी हैं वो इतना ज़्यादा शैतानी नहीं करती अपना काम से काम रखती हैं लेकिन दोनों वो एक साथ की ही हैं यानी कि जो मेरी भांजी हैं और मेरी बेटी शैली और त्रिषा दोनों ही एक ही साथ की हैं बस दोनों में डेढ़ महीने का अंतर है मेरी दी बेटी डेढ़ महीने पहले की है और वो थोड़ा बाद में हुई थी तो वो उसके साथ उनके साथ खेलने को करती है लेकिन वो खेलती नहीं है ऐसे होता भी है कि छोटे बच्चे अलग अलग ही खेलना अपना पसंद करते हैं साथ में कम ही खेलते हैं फिर जैसे जैसे स्कूल जाने लगते हैं बड़े होने लगते हैं तो उनमें जो टीम भावना होती है वो डेवलप होने लगती है फिर वो साथ में खेलना शुरू कर देते हैं तो जो भी मिल रहा था उन लोगों को जहाँ से भी जो भी वो उठा उठा के फेंक रहे थे और खेल रहे थे यही उनका खेल होता है बच्चों का लेकिन बच्चों से रौनक रहती है घर में कितने भी बच्चे हों कितना भी शैतानी करें लेकिन बच्चे शांत बैठ जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है या बीमार हो जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है तो खैर चलिए मेरा तो न्यू ईयर यहाँ पर हो गया है ख़त्म तो आप लोग बताइएगा आपका न्यू ईयर कैसा रहा तो अभी सब लोगों को देख रही हूँ मैं कि कहाँ चलेंगे सब लोग और सब लोग जा कर के बाहर खड़े हुए थे गाड़ी में बैठने के लिए और ये है रास्ते की क्लिप हम लोग जा रहे हैं अभी गाज़ियाबाद वापस और घर जा कर के मैं आप लोगों से बात करूँगी बिल्कुल भी सामने आकर के बात करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को और मुझे और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सी कोई रेसिपी वगैरह लेकर आऊँगी पक्का और घर आने पर देखिए सफ़ाई में कर रही थी बाहर की तो ये कितना बड़ा चूहा यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है ये किसी कबू कबूतर ने तो नहीं बिल्ली ने किसी ने मार दिया है और ये जितना दिखाई देना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसको हटाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे क्योंकि तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो इसके अंदर से तो हम लोग वापस आ गए हैं और अभी बीच में फिर मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी हो गया था और अभी घर भी काफ़ी गंदा पड़ा है तो साफ़ करना है तो सबसे पहले आई विश अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू कैसा रहा आप लोगों का न्यूज जरूर बताइएगा कमेंट्स में और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ये भी ज़रूर बताइएगा और ट्वेंटी ट्वेंटी जो था यानी कि दो हज़ार बीस काफ़ी सारी चीज़ें ले गया किसी के लिए खुशियाँ दे गया तो किसी को बहुत सा दुख भी दे गया बहुत सारे अपनों को अपनों से अपनों को छीन लिया दो हज़ार बीस में और इसीलिए दो हज़ार इक्कीस से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि 2021 आएगा तो बहुत कुछ अच्छा लेकर के आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा नई चीज़ों को सोच करके कि क्या होगा क्या होगा कभी भी इस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं हुई है और खुश रहिए घर वालों का ख्याल रखिए अपना ख्याल रखिए पीती बातों को भूल जाइए रिश्तों में प्यार लाइए क्योंकि रिश्ते से होते हैं तो ही हम होते हैं मतलब फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हर किसी की लाइफ में और होने भी चाहिए तो अपने खफा हो गए हैं अगर आपसे तो उनको मना लीजिए थोड़ा सा हंस के थोड़ा सा रो के और अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए तो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा तो अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे काम भी है तो मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ ओके तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और 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 मेरी बहुत सारे वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ तो लिए टेक केयर इसके होम स्टे सेफ़ ठीक है बाय बाय